राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण मैंने आज से पहले तुम्हें कभी अभ्यास करते हुए नहीं देखा, किंतु आज भी तुम उच्च कोटि के धनुर्धर हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई कला सीखी जाए तो उसे भुलाया नहीं जा सकता राधे। और फिर राधा कहती है, वैसे विदुरथ का तो अंत हो गया ना, फिर किस कारण से अभ्यास कर रहे हो? और फिर तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, विदुरथ का अंत हो चुका है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी संकटों का अंत हो चुका है, भविष्य में और भी संकट आएंगे तो उसके लिए भी तो सज्ज होना होगा ना राधे। और फिर तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं, समस्याएं चाहे कितनी भी क्यों ना आए, किंतु अब कान्हा को शस्त्र कभी नहीं उठाने पड़ेंगे। और कान्हा को ही क्या, अब तो मुझे भी नहीं लड़ना होगा। फिर द्युम निशांत अर्थात हमारी अगली पीढ़ी ने समस्त सुरक्षा का कार्यभार संभाल लिया है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, किंतु दाऊ उनका अनुभव, उनकी आयु इतनी नहीं है कि वो ये सब बातें समझ पाए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा, कदाचित तुमने साल्व से युद्ध करते हुए नहीं देखा, तुमने क्या साहस से लड़े हैं वो। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कान्हा कि हमारी अगली पीढ़ी सहस्त्र वर्षों तक द्वारिका पर शासन करने के योग्य है, इसीलिए तो द्वारिका के समस्त कार्यभार में उन्हें सौंप कर आया हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, भविष्य की छोड़िए वर्तमान के विषय में सोचिए दाऊ। और कहते हैं, उन्हें कुछ अनुभव नहीं है, उनकी इतनी आयु नहीं है, उनके लिए भार बहुत अधिक है, मुझे भय है कि ये भार उनके कंधों को ना झुका दे। दाऊ इस अवसर का लाभ शत्रु अवश्य उठा सकता है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो कान्हा, तुम्हें ज्ञात है कि हमारे पुत्र कितने महान योद्धा हैं, और कभी ना कभी उनके कर्तव्य के लिए उन्हें स्वतंत्र तो करना ही होगा कान्हा। और कहते हैं, विश्वास करो हमारे पुत्र अब बड़े हो चुके हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, हाँ कृष्ण दाऊ उचित कह रहे हैं, पैदूम और निशान सब संभाल लेंगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, यदि आप सबको यही लगता है तो यही सही, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कान्हा, यदि कोई बात है, कोई समस्या है तो मुझे बताओ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं दाऊ कोई समस्या नहीं है, आशंका है आने वाली समस्या की बस। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सैनिक प्रद्युम और निशान से कहता है, साल्व के राज से हमारा गुप्तचर लौट आया है। और फिर गुप्तचर कहता है, बड़ा ही अनर्थकारी समाचार लाया हूँ। और फिर बताता है कि बलराम दाऊ कृष्ण की सहायता कर लौट रहे थे और साल्व की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया है, वो इस समय साल्व की उड़न नगरी में बंदी हैं। और तभी प्रद्युम और निशान कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बलराम काका श्री को बंदी बनाना असंभव है। और फिर तभी गुप्तचर कहता है, पर संभव हो गया है, साल्व की विशाल सेना के सामने प्राण त्यागने से अच्छा उन्होंने बंदी होना उचित समझा। और फिर आगे गुप्तचर कहता है, पर महाराज श्री कृष्ण से कुछ मत कहिए कि वो दाऊ से इतना प्रेम करते हैं कि वो युद्ध छेड़ देंगे, मैं जानता हूँ कि दाऊ कहाँ पर बंदी हैं, मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने ये संदेश दिया है कि उन्हें कुशलता से ही छुड़ाया जाए और युद्ध जितना हो सके टाल दिया जाए। और तभी निशान साथ में चलने को तैयार हो जाता है और प्रद्युम उसे रोकता है। और प्रद्युम कहता है, पुष्टि करना आवश्यक है। और तभी गुप्तचर कहता है, मैं पुष्टि के साथ ही आया हूँ। और तभी निशांत कहता है, प्रत्युम ये तो पिताश्री का अस्त्र है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, निशांत प्रत्युम से कहता है, तुम सुरक्षा पर ध्यान दो, मैं अभी पिताश्री को लेकर आता हूँ। और तभी प्रत्युम कहता है, रुको निशांत मैं जाता हूँ। और तभी निशांत कहता है, श्री कृष्ण मेरे चाचा है, बलराम मेरे पिता और प्रत्युम मेरा भाई, किसका साहस हो सकता है मुझे हानि पहुँचाने का। और फिर प्रद्युम से कहता है, तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं शीघ्र ही पिताश्री को लेकर लौटता हूँ। और फिर निशांत गुप्तचर के साथ साल्व की नगरी में चला जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, निशांत को साल्व की सेना चारों ओर से घेर लेती है। और फिर तभी निशांत कहता है, ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम सब। और तभी गुप्तचर कहता है, क्षमा कीजिए युवराज, हमारी पत्नी और बच्चों के प्राण संकट में है, हमें आपसे विद्रोह करना पड़ा उनके प्राण बचाने के लिए। और फिर निशांत कहता है, इसका अर्थ ये है तुमने यहाँ मेरे आने का समाचार साल्व तक पहुँचा दिया है। और तभी गुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं और कहते हैं, इतना ही नहीं। और तभी साल्व कहता है,
इन्होंने तो तुम्हें लाया भी असत्य कह के है, और कहता है तुम्हारे पिता मेरे बंदी कभी बने ही नहीं, पर तुम बंदी अवश्य बन गए हो। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे, प्रतुम कहता है काका श्री आप यहाँ, और तभी बलराम दाऊ कहते हैं मैं यहाँ का क्या अर्थ है प्रतुम। और फिर तभी प्रतुम कहता है काका श्री यदि आप यहाँ हैं तो साल ने बंदी किसे बनाया है। और फिर प्रतुम बताता है कि हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी थी आपको बंदी बना लिया गया, इसीलिए निशांत आपको छुड़ाने गया है काका श्री। बलराम दाऊ कहते हैं संभव कैसे है, तुमने उसका विश्वास कैसे किया। और तभी प्रतुम बताता है कि काका श्री गुप्तचरों के पास आपका हल था पुष्टि के रूप में। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं छल है, शुक्राचार्य ने साल्व के साथ मिलके छल से बंदी बनाया मेरे पुत्र को। और तभी बलराम दाऊ कृष्ण जी से कहते हैं कान्हा मुझे निशान की सुरक्षा के लिए जाना होगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं दाऊ आप भयभीत मत होइए, हम कुछ सोचते हैं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं समय भयभीत होने का ही है कान्हा, वहाँ निशांत के प्राण संकट में हैं। और तभी राधा कहती हैं दाऊ आप चिंता ना करें, निशांत को कुछ नहीं होगा, कृष्ण अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं ये समय मार्ग ढूंढने का नहीं है राधा, साल्व को यम के मार्ग पर भेजने का है। और कहते हैं उस साल्व का अंत में करके रहूंगा कान्हा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। और तभी कृष्ण जी स्मरण करते हैं शुक्राचार्य की ये नई नीति बड़ी जटिल है, इससे सारा यदुवंश युद्ध के घेरे में आ सकता है। कृष्ण संसार से तो लड़ सकता है पर जब उसके ही प्रियजन लड़ेंगे तब कृष्ण क्या कर पाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा तुम ये क्या व्यर्थ की योजना बनाने में पड़े हो, वो साल मेरी शक्ति के समक्ष टिक नहीं पाने वाला है, मैं अभी जाके उसका अंत करके अपने पुत्र को छुड़ा कर लाता हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं दाऊ समझने का प्रयास कीजिए, ये संभव नहीं है, साल्व के पास ऐसी नगरी है जो आकाश में है, हवा में, यदि उन्होंने आकाश से हम पर प्रहार किया तो प्रति उत्तर देना हमारे लिए संभव है ही नहीं, इसलिए योजना बनाना आवश्यक है दाऊ, हमें धैर्य रखना होगा। और तभी राधा कहती हैं तो ठीक है कृष्ण, इस बार ऐसी योजना बनाना कि साल्व का अंत ही हो जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे गुरु शुक्राचार्य साल्व से कहते हैं बलराम के पुत्र को मारना नहीं है, उसके विवेक उसकी बुद्धि उसके भीतर के प्रेम को मारना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है हमारे परिवार के बच्चों पर निशाना साध कर बैठा है वो, ऐसा शत्रु क्षमा के योग्य नहीं है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं सत्य कहा तुमने राधा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी बलराम दाऊ से कहते हैं मैं हूँ मैं सब देख लूंगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं ये युद्ध मेरा है कान्हा, मुझे ये युद्ध करने दो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं युद्ध केवल आपका कैसे हुआ, हमारा नहीं है। तो ऐसे मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।